बॉर्डर गावस्कर सीरीज के 4 टेस्ट मैच में से 2 मैच खेले जा चुके हैं, वहीं 2 मैच अभी भी बाकी हैं और यहां पे दोनों ही टीमों ने एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। इस सीरीज का पहला मैच भारत ने जीता था, वहीं दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन भारत के दूसरे टेस्ट मैच हारने के बाद कई पूर्व क्रिकेटरों ने कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री को टीम में एक भी स्पिनर ना खिलाने को लेकर आलोचना की थी और इसमें एक नाम था पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का। वहीं अब कोच रवि शास्त्री ने पलटवार करते हुए कहा है कि हजारों मील दूर बैठकर बातें करना आसान है, हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हैं और हमें फैसला लेने पड़ते हैं। बातें करनी आसान है मगर हमें वही करना है जो टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ है और ये सामान्य बात नहीं है। कोच रवि शास्त्री ने किसी का नाम लिए बिना ही यह बयान दिया है मगर इस बयान से साफ जाहिर होता है कि वो पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर को ही जवाब दे रहे थे। गावस्कर ने भारत के दूसरे टेस्ट मैच हारने को लेकर जिम्मेदारियों की बात की थी और अब कोच रवि शास्त्री का ये बयान सामने आ गया है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स के लिए लव कुमार की रिपोर्ट।